देखो बहुत ही साफ पानी है गाइस। कल रात में हम थे, कितने बजे से हम जागे हुए हैं सोमन? एक बजे से। सोमन 1 बजे से जागा हुआ है, मैं लगभग ढाई बजे से जागा हुआ हूँ। यार सोए ही नहीं है, क्योंकि कामाख्या मंदिर के वहाँ पे अगर लोग लगभग रात के 1-1.5 बजे से वहाँ पे आना शुरू कर जाते और इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि क्या ही बताए, आप सो ही नहीं सकते। हम टेंट लगाए थे एक दुकान के आगे और दुकान भी खुल जाती है लगभग 1-1.5 बजे तक, दुकान सारे खुल जाते हैं और वो लोग आते हैं टिकट लेने के लिए। टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन है, अभी तक तो शायद कम से कम 1000 लोग हो गए उस लाइन में। तो लाइन में लगने के लिए इतने लोग 1 बजे से खड़े रहते हैं और बहुत ज्यादा इधर उधर लोग होई चोई होते रहता है। इसलिए हम क्या किए, सो ही नहीं पाए। हमने अपना लगभग 2:30 बजे तक अपना टेंट रोल किया, रोल करके हम यार गाइस वहाँ पे ब्रश करने का भी था नहीं, कुछ फ्रेश होने का भी कुछ नहीं, तो गाइस फ्रेश कुछ नहीं हुए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्रश कर लिया और चाय पी लिए। अभी क्या है कि लिफ्ट लेते हुए हमें जाना है पारमपुर की तरफ। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो गाइस हम सुबह सुबह शुरू कर दिए हैं लिफ्ट लेना, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। आज वहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ से कितने किलोमीटर है? हाँ किस जा सकते हैं। एक्चुअली हम ऑल इंडिया लिफ्ट लेके घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच। भैया की गाड़ी में लिफ्ट मिला। भैया कहाँ तक छोड़ रहे हो? सोनापुर। यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 20 to 25। तो गाइस 25 किलोमीटर का अप्रोक्स लिफ्ट मिली है सुबह सुबह। तो गाइस ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट, लेट्स गो। बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुई है, देखो पूरा उधर से घूम के आके यहाँ पे आ गया। और ये गाइस ये गाड़ी वाला बच गया किस्मत से। गाइस गाड़ी का हालत कितना ही खराब है। हम हैं अभी एक छोटे से गांव में, आसाम के खाकुटी गांव जगह का नाम है, और हम यहां पे जा रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने यहां भी नोटिस किया कि यहां पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब जहां देखोगे सिर्फ मुस्लिम ही दिखेंगे। तो ये लोग आ रहे हैं बॉर्डर पार करके बांग्लादेश से, और आके आके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती आ रही है असम का। धीरे धीरे असम को ऐसा लग रहा है कि यहां पे करप्शन के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। आप जहां देखोगे सिर्फ आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ही दिखेगी चारों तरफ, गांव में भी, इंटीरियर में भी। और जो चीज़ मैंने नोटिस करा गुवाहाटी के अंदर भी, सिटी में भी यही धीरे धीरे सिचुएशन बढ़ रहा है। अंकल ने हमें बहुत दूर तक छोड़ दिया, लेकिन एक गांव की तरफ आ गए हैं। एक्चुअली ये पूरा एक गांव ही है, रोड भी थोड़ा ख़राब है, और यहाँ से थोड़ा कुछ लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वो मेन रोड जो आ रही है यहाँ पे वो कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें लिफ्ट मिलने वाली है। पीछे जो मैं आपको बता रहा था कि इस गांव में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो यहाँ कुछ कुछ दूर तक ही सीमित है और कुछ कुछ जगह में नहीं है। और बाकी ये जगह भी है, यहाँ पे कुछ अलग अलग सा एक्सपीरियंस हुआ है नया। एक जैसे कि यहाँ के घर अलग होते हैं। यार यहाँ पे बहुत सारे बीटल नट्स के भी बहुत सारे पेड़ हैं। असम में आपको रेगुलरली बीटल नट्स के पेड़ दिख ही जाएंगे, यहाँ पे भी जैसे है। तो गाइस जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे हर घर में बीटल नट्स के पेड़ हैं। जिसको भैया से पूछे तो जिसको लोकल लैंग्वेज में दामूल बोलते हैं, तामूल, जिसे बहुत सारे टोबैको के चीजें भी बनते हैं। जैसे आप अगर कोई गुटखा खा रहे हो तो बेसिकली ज्यादातर गुटखा में ही रहता है ये तामूल। असम में स्पेशली असम हो जाए या फिर और भी आगे के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उन सब में बीटल नट्स के बहुत सारे पेड़ आपको हर जगह दिखी जाएंगे। हर किसी के घर में नॉर्मली मिल जाता है, और वो घर पे भी यूज होता है और नॉर्मली बेचने के लिए भी यूज किया जाता है। तो गाइस फाइनली बहुत देर के बाद लिफ्ट मिल गई है हमें पानीमूर वाटरफॉल के लिए ही, एकदम डायरेक्टली। यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर है। ये देखो अपने बच्चों के साथ बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं। एक सेकंड, मेरा नाम सी। गाइस भैया ने गाड़ी रोक दिया है, थोड़ा देखते बाहर जाके घूम के बंदर क्या करते हैं। यहाँ पे अपना फोन या फिर कोई भी प्रीशियस चीज को थोड़ा संभाल के रखो। देखो इसके पास कहीं भी आप सामने जाओगे तो देखो कैसे देख रहे हैं। देखो एकदम ये बहुत सारे बंदर है यहाँ पे। अगर आप कभी भी आ रहे हो तो बड़ा थोड़ा संभाल के। और भैया ने बोला कि यहाँ पे आया और रोक दिया। देखो ऊपर से कैसे हो रहा है। अरे भाई देखो कैसे। गाइस मेरे को तो डर ही लग रहा है। तो चलो चलते हैं यहाँ से। बस वालों को घेर लिया है बंदरों ने, और वो खाना भी देते हैं इसलिए वो परेशान। देखो ठंडे से भगा भी रहे हैं उनको, वरना वो गाड़ी के आगे आ जाते हैं। और देखो एक तो ऊपर ही चढ़ गया है। लोग चिप्स फेंक रहे हैं, बिस्किट फेंक रहे हैं, इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा आ जाते हैं। भैया
भैया ने हमें पानी मोर वाटरफॉल तक छोड़ दिया है और ये यहाँ पे फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का एरिया है। तो एक्चुअली हम खाए नहीं थे और हम यहाँ पे बनाने का प्लान किए थे, तो भैया ने खुद पहले से बना के रखा है और भी सारा कुछ जुगाड़ करके रखा है। इन्होंने अपना लंच बना के रखा है तो उन्होंने बोला कि खा लो, तो एक्चुअली हम बनाने वाले थे। हमने पहले कहा कि नहीं भैया आप अपने लिए खुद का बनाए हो, तो उन्होंने कोई बात नहीं साथ में मिल के खा लेंगे। लंच का भी टाइम है तो सोचे कि यार चल तो ठीक है भैया इतना इंसिस्ट कर रहे तो खा ही लेते हैं, फिर भैया के साथ खा के फिर उसके वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। भैया बहुत ही अच्छा शेफ है और बहुत ही टेस्टी सब्जी, भिंडी की सब्जी। भिंडी एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे ही मेरा फेवरेट है भिंडी, और भैया ने भिंडी ही बनाया है, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। सोमन कैसे लग रहा है? तो ऐसे पहले खा लेते हैं। फाइनली खाना खा के भैया मोइनुल दा भैया उनका नाम है, तो मोइनुल भैया बहुत ही सच में अच्छे है, इतने काइंड है कि बर्तन हम एक्चुअली मैं पानी से थोड़ा धो दिया था, फिर हाथ से छीन के खुद ही बोलते नहीं मैं धोऊंगा, तुम मेरे भाई जैसे हो हमें, क्योंकि देखो वो बोल रहे हैं कितने अच्छे। देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं एजुकेटेड लोग कि एक दूसरे से कितना दूर दूर रहते हैं, ये है वो बोल रहे हैं कि मैं ड्राइवर हूँ इसीलिए मेरे साथ नहीं खा रहे हो क्या, तो बहुत मतलब सुन के खराब ही लगा कि यार ऐसे सोच रहे हैं, इसलिए हम साथ में बैठ के खा लिए एक साथ। और मोहिंद बहुत ही अच्छे इंसान, मजा ही आ गया उनसे बात करके। जब भी आप मेन रोड से आगे आओगे तो चेक पोस्ट पड़ेगा, तो इनके पास यहाँ पे टिकट, भैया टिकट कितने का लगता है? ₹20 कब तक वैलिड रहता है? एक दिन के लिए। तो गाइज अगर आप आ रहे हो तो पर पर्सन यहाँ पे ₹20 लगता है और सारा दिन आप यहाँ पे घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं गाइज वेस्ट बंगाल से ढूंढते ढूंढते इस जगह का आ सकता हूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हो तो डेफिनेटली इस जगह को विजिट करिएगा, आइएगा, बहुत ही सुपर्ब जगह है। तो सर लोगों से बात कर लिए हैं और वह आगे सोच रहे हैं कि जाकर टेंट लगाएंगे, पहले तो जाते हैं घूमते देखते हैं कि क्या क्या जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, उसके बाद शाम को टेंट लगा के यहीं पे स्टे करेंगे और खाना भी पकाएंगे। तो सारा कुछ ब्लॉग में रहिएगा, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब भी एंट्री होगी यहाँ पे तो स्ट्रेट ही रोड है, अगर अब यहाँ ये कुछ कुछ जो घर दिख रहा है ये सारा घर फॉरेस्ट का है, सारा ये जो सारा जंगल फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, और ये जो टिकट लिया जा रहा है ये भी फॉरेस्ट वाले ही ले रहे हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। अब अगर आप यहाँ आ रहे हो बहुत शांत जगह है, बहुत ही काम जगह है, आप आराम से सारा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो और वापस घर जा सकते हो। अगर अगर शाम के टाइम पे आ रहे हो तो गाइज थोड़ा जल्दी निकल जाना क्योंकि ये पूरा जंगल वाला एरिया है, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है लेकिन कहीं कुछ बोल नहीं सकते, इसीलिए थोड़ा अपना सेफ साइड देख के लगभग 5-6 बजे तक निकल जाने से बहुत ज्यादा सही रहता है। बहुत बड़ी सी पार्किंग भी रहेगी, अगर आप कार से बाइक से किसी भी चीज से आ रहे हो तो यहाँ पे आप पार्क करो गाड़ी, यहाँ पे देखो बस भी आई हुई है, तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ऑलरेडी आते ही है। फेमस है यहाँ का छोटा सा एक वाटरफॉल है जो की, और यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा ब्लू है, पूरा ब्लू पानी आपको दिखेगा जो की उस तरफ है नदी, तो हम उधर भी जाने वाले हैं। और यहाँ पे गाड़ी, अगर आप किसी भी गाड़ी से बस से आ रहे हो या फिर बाइक से आ रहे हो, कार से किसी भी चीज़ से आ रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप अपना गाड़ी पार्क करके फिर आगे बढ़ सकते हो। जब आप एंट्री करोगे थोड़ी देर बाद ही आपको मेन वाटरफॉल दिखेगी जो कि बहुत सुंदर है, हम भी उधर जाने वाले हैं अभी वाटरफॉल की तरफ। इस जगह को आप हेवन ऑन अर्थ भी बोल सकते हो क्योंकि जंगल के बीच में एक इतना सुंदर सा जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते, और यहाँ का पानी पूरा ब्लू है, पूरा ब्लू पानी है। अगर आप यहाँ पे नहा भी रहे तो गाइस थोड़ी देर में हम बैग को रख के यहाँ पे नहाएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर टेंट लगाने का देखेंगे। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो बोट भी, यहाँ पे बोट राइड है, फिर इंसान नहा भी सकता है, फुल चिल माहौल है, पिकनिक विकनिक यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ का ब्लू पानी आपको दिखाते हैं। गाइस लुक एट दिस, सारा सामान फैला दिए हैं और जा रहे ठंडे ठंडे पानी में। गाइस
क्या ही एकदम क्लियर पानी है, देखो बहुत ही साफ पानी है। कल से लगभग नहाए नहीं है और अभी नहाने वाले हैं और वो भी इतने ठंडे ठंडे पानी में। वाह गाइस पानी देखो एकदम साफ। साफ पानी और ठंडा पानी है, क्या बताए भाई। गाइस यहाँ तक अगर आप आ तो आना आपका वर्थ होगा, क्योंकि इस नज़ारे को और इतना शांत और साफ पानी को, ये तो अभी यहाँ काई से निकला हुआ है, यहाँ इतना साफ पानी को आप मिस ही नहीं कर सकते। आप वर्थ होगा यहाँ पे आना, अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली इस जगह को बहुत अच्छे से इंजॉय होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है। गाइस कल हम नहाए थे, कल लगभग सुबह नहाए थे, आज तो सारा दिन नहाना ही नहीं हुआ और अभी नहा रहे हैं गाइस। ओह क्या इतना साफ पानी, बहुत ही ज़्यादा, लगभग डॉकी जैसा ही पानी है यहाँ पे, मेघालय का जो डॉकी है वैसा ही पानी है। बट ये जगह बहुत ही अंडररेटेड है, काइंडली अगर आप नॉर्थ ईस्ट से अगर देख रहे हो तो डेफिनेटली इस जगह में आओ। मैं पिन भी कर दूंगा इस जगह के लोकेशन को और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप काइंडली चेक कर दीजिएगा। और इतनी शांति, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। यहाँ तक जब हम बोले कि हम ट्रैवलर हैं, हम वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं और पूरा नॉर्थ ईस्ट को उसकी सुंदरता को दिखा रहे हैं, पूरा उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो वो बोले कि आप दोनों के लिए टिकट नहीं लगेगा, टिकट माफ़ है, आप जाओ आप आराम से घूमो इस जगह को। इतने अच्छे लोगों के बीच में ये इतना सुंदर सा नज़ारा को इंजॉय करने में जो मज़ा आता है किसी और चीज़ में।